हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आलू मटर पनीर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी स्नैक बर्ड नेस्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपके स्क्रीन पर जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करिए। इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बर्ड नेस्ट। ये मैंने 2 टेबलस्पून मटर हल्के से उबाल लिए हैं, इनको मैं थोड़ा मैश कर लूँगी। हल्का हल्का मैश करेंगे, बस आधे आधे से टूट जाएं जैसे ये। ये देखिए, ये मैंने 1 हरी मिर्ची चॉप की है और 1 टेबलस्पून अदरक ग्रेटेड ये लिया है। ये मैंने 4 आलू को उबाल के और इनको कद्दूकस कर लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 100 ग्राम पनीर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्ची डाल रही हूँ, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून हल्दी। इस सबको अच्छे से हाथ से मिला लें। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो मैं इसमें थोड़े थोड़े करके मिलाऊंगी। बस थोड़े से ही और डालेंगे। ब्रेड क्रम्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लें। आलू कभी कभी बहुत पतले से होते हैं तो उसमें ज़्यादा लग जाता है, और अगर आलू ठीक हैं, कम पानी वाले हैं, तो फिर उस हिसाब से बस हमारा जैसे ये शेप हो जाए। पहले हम इसके ऐसे बॉल बना लेंगे। अब इसको ऐसे हाथ पे दबाते हुए कटोरी टाइप की शेप हम इसको देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम ये सारे इसी तरह शेप कर लेंगे। ये सभी बनके तैयार हैं, अब मैं इनके लिए बैटर बनाऊंगी। ये मैंने 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून में लाल मिर्ची डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थिक सा बैटर बना लेंगे इसका। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, ना गाढ़ी बहुत और ना ही पतली। बैटर रेडी है, अब हम अपने नेस्ट रेडी करेंगे। ये मैंने वर्मेसिली लिए हैं, ये जो बैम्बिनों की आती हैं, ये इधर प्लेट में मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। ये जो हमने बनाए थे अपने, इसको बैटर में डुबोएंगे और बहुत आहिस्ता से इसको बहुत ध्यान से करते हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा वाला इससे निकाल देंगे ये बैटर, और ये वर्मेसिली के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ से इस पे ये ऐसे डालेंगे। ये देखिए, अब हम दूसरा करेंगे तैयार। अब इसी तरह अपने सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरे सब बनके तैयार हैं। इनको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी और इतनी देर में पनीर से एग्स बनाऊंगी, तो इनको ज़रा फ्रिज में रखती हूँ। ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसमें 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब इससे छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। पहले बॉल बनाएंगे, फिर उसको अंडे की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पहले हम सारी गोल बॉल बना लेंगे जिससे हमारे एक साइज के बने। पनीर के अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया है क्योंकि हम इसको कच्चा यूज करेंगे। ये देखिए,
हमारे एग भी सारे रेडी हो गए हैं। अब वो जो मैंने नेस्ट बना के फ्रिज में रखे थे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम उनको फ्राई करेंगे। और इनको मैं बस 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ, इनको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इनका कलर बदल जाता है फ्राई करने से। ये देखिए फ्रिज से निकालने के बाद ये ऐसे हो गए हैं, अब मैं इनको फ्राई करूँगी। गैस को ऑन कर दिए, ये देखिए इसके ऊपर हल्का सा ऐसे हम ये डाल देंगे जो बैटर बचा हुआ था, ताकि ये बीच वाली सेवियाँ निकले नहीं। इसी तरह सब पे डाल के फिर कढ़ाई में छोड़ेंगे। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें ये डालूंगी। धीरे धीरे इसी तरह सारे छोड़ देंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया है, इसको हम निकाल रहे हैं। साइड में करके इसका तेल निचोड़ते हुए ऐसे सारे निकाल लेंगे। सभी सिक गए हैं, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, अब इनको हम सर्व करेंगे। ये आप कोई भी धनिया पुदीना कोई भी पत्ते ले सकते हो। वो मैंने पहले मिंट चटनी डाली थी, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वो डाल दूंगी लिंक। अब हम इस पे अपने एग्स सजाएंगे। लीजिए बनके तैयार है हमारे आलू पनीर के बर्ड नेस्ट। इतने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, ये उतने ही टेस्टी भी लगते हैं। इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।